क्लास टेंथ में सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने चालू किए थे इविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। मेरे ख्याल से हमने तीन इविडेंस देख लिए थे, है ना, दो देखे थे। अब इसके बाद में देखेंगे वेस्टिंजियल ऑर्गन। हम लोग इविडेंस देख रहे हैं कि सही में इवोल्यूशन हुआ है कि नहीं, ठीक है, उसका प्रमाण देख रहे हैं हम लोग। तो उसमें देखेंगे वेस्टिंजियल ऑर्गन। वेस्टिंजियल ऑर्गन किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो डिग्रेडेशन और अनडेवलप ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड वेस्टिंजियल्स, यानी यार यूजलेस ऑर्गन्स अगर हमारे शरीर में है तो उनको क्या कहेंगे, वेस्टिंजियल ऑर्गन कहेंगे। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में यूजलेस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अब ये यूजलेस ऑर्गन जो है, कभी ऐसा नहीं कि सडनली कोई नया ऑर्गन सजीव में बन जाना है पॉसिबल नहीं, लेकिन जो बना हुआ है तो वो धीरे धीरे कम हो जाती है, डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है, ये पॉसिबल है। लेकिन आप देखिए, ये एक ऑर्गन जो है वो ऑर्गन, दिस ऑर्गन इज यूजलेस फॉर वन ऑर्गेनिज्म, बट दीज ऑर्गन्स आर वेरी यूजफुल फॉर अदर। एक ऑर्गन है जिसे आपको एक बार बता दूं, मनुष्य जब वृक्षवासी फिर था, ठीक है, एंशियंट टाइम्स मनुष्य कहाँ था, पेड़ों पे रहते थे, ठीक है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसको खुश थी, ठीक है। अब उसके बाद में वो जो है पूछ किसके लिए, हमारे को भी हम कहाँ आ गए, जमीन पे आ गए, हमको पूछ की जरूरत है क्या, वी आर नॉट रिक्वायर्ड द टेल, हमको टेल की जरूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ मंकीज, उसको पेड़ के ऊपर छलांग लगाने के लिए या अपने आप को बैलेंस करने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ बैलेंस मंकी, टेल इज इम्पॉर्टेंट। बट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, टेल इज नॉट रिक्वायर्ड, टेल इज नॉट नेसेसरी ऑन द अर्थ, जमीन के ऊपर उसको टेल की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि एक ऑर्गन जो है एक मनुष्य व्यक्ति के लिए भले यूजलेस हो, एक ऑर्गेनिजम्स के लिए यूजलेस हो, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए कैसा होता है, वो यूजफुल होता है, ठीक है। अब हमारे एंसेस्टर जो है वो सेम थे कि नहीं, ये देखने के लिए रुमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं, रुमिनेंट्स मतलब चुगाली करने वाले, ठीक है, चुगाली करने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स को में एक उसके लार्ज इंटेस्टाइन में, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में आउटग्रोथ होती है, ठीक है। ये आउटग्रोथ बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, क्या कहते हैं इसको, अपेंडिक्स, ठीक है। दिस अपेंडिक्स इज यूजफुल फॉर रुमिनेंट एनिमल्स, जो चुगाली करने वाले जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके लिए ये अपेंडिक्स आवश्यक है। लेकिन क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो कच्चा घास खाते हैं, ठीक है, कच्चा अनाज खाते हैं, तो उसमें सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको बचाने के लिए इस अपेंडिक्स की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मनुष्य कैसा है, मनुष्य ईट अ कुक्ड फूड,
ठीक है। मनुष्य कौन सा फूड खाता है? पका हुआ फूड खाता है, इसलिए उसको इस चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्य के इसमें भी जो है एक लार्ज इंटेस्टाइन को अपेंडिक्स लगा हुआ है, वो यूजलेस नहीं है, दैट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जब एनिमल्स जो है के इंटेस्टाइन में एनिमल्स के इंटेस्टाइन में जब अपेंडिक्स होता है और हमारे भी लार्ज इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स नाम की एक थोड़ी सी आउटग्रोथ होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे भी एंसेस्टर कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, अपेंडिक्स होता है ना इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन के पास में। ठीक है, अब उसी को दूसरी बात, हमारे शरीर में जो ईयर है ये पीना बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको? पीना। इस पीना के ऊपर यहाँ ईयर मसल्स होते हैं, हमारे शरीर में ईयर मसल्स है, लेकिन दिस ईयर मसल इज नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, बट दिस पीना इज यूजफुल फॉर अदर एनिमल्स जस्ट लाइक डॉग काउज। ठीक है, तो इन एनिमल्स के लिए वो जरूरी है, क्योंकि साउंड किधर से आ रहा हो कर रहे कि तुम्हारा पिन्ना हिलता है क्या अपने आप? नहीं, लेकिन उनके कुत्ते का बिल्ली का जो पिन्ना है ये ऑटोमेटिक हिलता है कि साउंड किधर से आ रहा है, जज करता है कि नहीं। यह एक काऊ है, ठीक है, वो काऊ जो है काऊ से भी आवाज किधर से आता है ये पिन्ना मसल उसके लिए उपयोग। और एग्जाम्पल देखते हैं, अपने आप विजडम टीथ जो होते हैं वो किसी काम के नहीं है। ठीक है, और उसी प्रकार से हमारे जो रीढ़ की जो हड्डी है, यहाँ से रीढ़ है, रीढ़ हाँ, तो इस रीढ़ में के इसमें लास्ट में जो बैक वाला जो भाग है यहाँ पर, यहाँ पे एक कॉकिक्स नामक एक ऑर्गन है। ठीक है, और ये कॉकिक्स जो होता है वो जुड़ा होता है कैसे? पूंछ से, तेल से। ठीक है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे को भी किसी जमाने में तेल रही होगी। तो हमारे जो एंसेस्टर है वो एंसेस्टर कैसे रहे होंगे? सेम रहे होंगे। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में समझ में आ गए? ठीक है, अब देखते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, अब ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में क्या होता है ये समझ में आ गया है? वेस्टिजियल ऑर्गन यूजलेस एविडेंस के रूप में। अब दूसरा देखते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। अब ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जो है ये समझने के लिए क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट ब्यूरिड बरीड इन ड्यू टू इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में क्या हो गया कि बहुत सारे एनिमल्स जो है वो अर्थ क्रस्ट में दब गए ड्यू टू द डिजास्टर लाइक वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड। ठीक है, क्या होता है कि जमीन के अंदर में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ब्यूरिड हो जाते हैं, जमीन के अंदर दब जाते हैं ड्यू टू द डिजास्टर जस्ट लाइक फ्लड, लैंडस्लाइड या वोल्केनिक इरप्शन या अर्थक्वेक्स। ठीक है, भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी फट जाना या लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड को हिंदी में कहते हैं भूसंकलन। क्या कहते हैं उसको? भूसंकलन। भूसंकलन में क्या होता है कि जमीन जो है फिसल के निकलती, तुम देखे होंगे ना। ठीक है, तो ऐसे समय में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जमीन के अंदर दब जाते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद में रिमेनेंट्स ऑफ सच
ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व अंडरग्राउंड, और ये जो उनका रिमेन्स होता है रिमेनेंट्स या उसका इम्प्रेशन जमीन के अंदर दब गया, ठीक है, उसकी आकृति या कुछ पार्ट थोड़ी सी हड्डी वगैरह उसकी, ठीक है, वो क्या हो जाती है जमीन के अंदर वो प्रिजर्व हो जाता है, और उस प्रिजर्व बिहेवियर्स ऑर्गन्स को या उस एनिमल्स को हम कहेंगे फॉसिल्स, क्या कहते हैं फॉसिल्स, ठीक है। तो फॉसिल्स जो है ये जानने के लिए फॉसिल्स सबके सेम है, फॉसिल्स के आधार पर हम एविडेंस प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, तो अब देखिए कार्बन, कार्बन जो होता है तो एटॉमिक मास जिसका कार्बन 12 होता है ये कॉमन कार्बन हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक रेडियो एक्टिव दूसरा एक कार्बन होता है 14 कार्बन, कार्बन 14, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो कार्बन है दोनों किससे मिलेंगे ऑक्सीजन से मिलेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए ये कार्बन जो है 12 वाला वो कौन सी CO2 बन गया, उसी प्रकार से 14 O ये बन गया CO2 बन गया दोनों के आसानी CO2 ये CO2, ठीक है, दोनों CO2 बन गए। अब ये दोनों CO2 बनने के लिए CO2 का उपयोग कौन करता है, प्लांट करता है, गाय के लिए करता है फोटो सिंथेसिस, ठीक है, जिसके कारण वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। तो ये दोनों का, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड 12 का और 14 का कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स क्या काम करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, क्या काम करते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और वो एब्जॉर्ब करने के बाद दोनों कार्बन वहां पे है प्लांट्स में, प्लांट्स को भी कौन खा लेगा, एनिमल्स खाएगा, ठीक है। अब जब वो तक, जब तक प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी जब तक खा रही है घास या जब तक घास जीवित है, ठीक है, तब तक इन दोनों का जो रेशियो है वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, कैसा होगा कांस्टेंट होगा, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में दोनों का रेशियो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, द रेशियो ऑफ सी 40 इज कंटिन्यूसली, कार्बन 40 कंटिन्यूसली चेंजेस, ठीक है, ड्यू टू द रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन का रहे तो उसका क्या होगा, उसका प्रमाण कैसे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब कम होते जाएगा, लेकिन कार्बन जो है ये वाला 12 कार्बन, ये 12 कार्बन कैसा होगा, जैसे का वैसा ही रहेगा, कैसा रहेगा, जैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन द टाइम पासेस सिंस द डेथ के बाद में टाइम पास टाइम हो जाएगा, समय होते जाएगा, तो उसके बाद में उन दोनों में के प्रमाण में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, पहले कांस्टेंट था, ठीक है, फिर उसके बाद में सी 14 जो है, मतलब कार्बन 14 जो है वो चेंज होते गया, तो उन दोनों के रेशो में चेंजेस आएगा कि नहीं, दोनों के रेशो में क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। और इसके बाद में हम उस पर से ये समझ में आ सकते हैं कि मेजर कर सकते हैं कि दोनों में पहले वाला, पहले का कार्बन कितना था, या कार्बन सी 14 कितना था, बाद में कितना था, इन दोनों का यदि मिलाया जाए, एक्चुअली उसका आंसर निकाला जाए तो कहीं ना कहीं दोनों में फर्क आएगा, ठीक है। तो उसके आधार पे, ठीक है,
हम उसको कंपेयर कर सकते हैं C14 और C12 के बीच में, ठीक है। और इसको बोलते हैं डाटा डेटिंग मेथड, इसको क्या बोलेंगे, डेटिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। तो ये डेटिंग मेथड आप यहाँ तक ही समझ लीजिए, रखो रखो कि वो उसको कब मरा है, कैसा मरा है, आज मरा है कि 10 साल पहले मरा है कि 10,000 साल पहले मरा है, ये हम डेटिंग मेथड से हम उसको कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। उसके बाद में देखते हैं थर्ड, उसके बाद वाला कौन सा है, इविडेंस कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक के बारे में देखते हैं, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है ये समझने के लिए, कनेक्टिंग लिंक समझने के लिए हम ये समझ लो, मान के चलो हम मान लिए अथवा ये अथवा में, ठीक है। तो ये एनी लीडा है, क्या है ये एनी लीडा, ठीक है। अब ये समझ लेंगे कि अर्थवर्म से क्या बना है, कॉकरोच बना है, क्या बन गया कॉकरोच, ठीक है, क्या बन गया कॉकरोच। ये कहिए किसमें आता है, आर्थ्रोपोडा, क्या में आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और हम ये समझ में आ गया अर्थवर्म से क्या बना कॉकरोच, इसका पूर्वज रहा होगा, ठीक है। लेकिन इस बीच में अर्थवर्म का ट्रांसफर होते समय या चेंजेस होते समय वो और भी तो दूसरा रूप धारण कर सकता है ना, तो हम इसमें लेते हैं पेरिपेटस, पेरिपेटस, ठीक है। पेरिपेटस नाम का एक एनिमल्स है, वो इनके बीच में ये अर्थवर्म इस पेरिपेटस होते हुए कब क्या बना है, कॉकरोच बना है, तो इस पेरिपेटस को बोलेंगे कनेक्टिंग लिंक। समझ में आ गई बात, सरल है बिल्कुल, सरल है ना। देखिए ये अर्थवर्म है, अर्थवर्म का कन्वर्शन टाइम हुआ होगा कॉकरोच, ठीक है। लेकिन ट्रांसफर होते हैं मतलब उसका उसके अर्थवर्म कॉकरोच बनते तक वो पहले दूसरे रूप में भी तो आया होगा ना, तो पहले बना होगा पेरिपेटस, ठीक है। तो वो क्या बना है, पेरिपेटस, ठीक है। तो जब अर्थवर्म से कॉकरोच बनते समय दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को या उस ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, कनेक्टिंग लिंक करेंगे, ठीक है। अब भाई इसमें देखिए अर्थवर्म में और पेरिपेटस में क्या क्या सिमिलरिटीज आती है, ठीक है। तुम्हारी बुक से फोटो दिया कि नहीं दूसरा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज आती है देखिए, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे हम पेरिपेटस और अर्थवर्म, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थवर्म देखे हो आपने गूगल में, पेरिपेटस की डायग्राम आप देखना, तो उसमें सबसे पहले इसमें देखेंगे हम सिगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है। तो सिगमेंटेड बॉडी अर्थवर्म में भी होती है और पेरिपेटस में भी, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा है थीन क्यूटिकल, मतलब उसके ऊपर उसके शरीर के ऊपर पतली सी परत होती है, ठीक है, उसको क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में दोनों में होती है, किसमें
इन क्यूटिकल वेरी पेटस में भी होती है और वर्तमान में भी होती है। और तीसरा है पैरापोडिया। पैरापोडिया का अर्थ होता है कि उसमें टिन बहुत ही छोटे छोटे पांव जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं पैरापोडिया, ठीक है। अब ये सिमिलरिटीज आ गई तो दोनों में क्या आ गई है, सिमिलरिटीज आ गई, ठीक है। अब देखेंगे कि कॉकरोच में और पेरीपेटस में क्या सिमिलरिटीज है। तो इसमें जो है ट्रकियल रेस्पिरेशन होता है, ट्रकियल मतलब शरीर में जो ट्रकिया होता है, तो कॉकरोच के ऊपर पट्टी निकालोगे उसमें लक्स वगैरह नहीं होती है, ट्रकिया होता है, लॉन्ग ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बॉडी में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रकिया। तो रेस्पिरेशन जो है हवा का लेना हवा का छोड़ना उस ट्रकिया से होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रकियल रेस्पिरेशन। तो ये जो है ट्रकियल रेस्पिरेशन जो है ये कॉकरोच में भी होता है और पेरिपेटस में भी होता है, ठीक है। उसके बाद में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरी बात है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी होती है कि अपने शरीर में जो है ब्लड जाना पहुंचाना, सर्कुलेशन होता है ब्लड का, तो हमारे शरीर के अंदर में इंटरनल होता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें ऐसा इंटरनल कैसा होता है, हमारे शरीर में वेन्स ट्यूब वगैरह होते ही नहीं, वेन्स आर्टरी वगैरह होती ना अपने शरीर में, लेकिन इसमें ऐसी वेन्स आर्टरी वगैरह नहीं होती, तो पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो कैरेक्टर्स है पेरिफेरस में भी होता है और कॉकरोच में भी होता है, समझ में आ गई बात। तो ये हम सब बोल सकते हैं कि अर्थवर्म्स इस कॉकरोच इज ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ कॉकरोच इज अर्थवर्म, ठीक है। तो यहाँ से इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है, ये ऐसा हम बोल सकते हैं। और इसके बाद में देखते हैं और एक एग्जांपल इसका कनेक्टिंग लिंक्स का समझ लेते हैं। बातें बंद एक एग्जांपल और एक एग्जांपल इसका समझ लेते हैं हम। स्नेक्स स्नेक्स क्या होता है, ये रेप्टाइल्स है, ये क्या है, ये रेप्टाइल्स है, ठीक है। रेप्टाइल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये एग्स देता है, क्या देता है, स्नेक्स क्या देता है, एग्स देता है, ठीक है। मान के चलिए इसने एग्स अंडे दे दिया, ठीक है, और इसका कंपेयर किया डकबिल प्लेटिपस से, क्या बन गया इसका डकबिल, इसके ऊपर से क्या बन गया डकबिल प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस, ठीक है, डकबिल प्लेटिपस बन गया। तो ये भी क्या काम करता है, ये भी एग्स देता है, क्या देता है, ये भी एग्स देता है, सिमिलरिटी आ गई, ठीक है। और दूसरी बात इस डकबिल से, ये डकबिल क्या हो गया, कनेक्टिंग लिंक हो गई, किससे हो गई, मान के चलो गॉट बकरी रे, ठीक है, ये गॉट क्या है, ये मैमल्स है, क्या है, ये मैमल्स, ठीक है, गॉट क्या है, ये मैमल्स है। तो जैसे आप मैमल्स का एक कैरेक्टर है कि ये इसमें मैमरी ग्लैंड होता है, ठीक है, और मैमरी ग्लैंड होने की वजह से ये इसे मिल्क मिलता है, इसे क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, और इसमें हेयर होते हैं, क्या होते हैं इसमें, हेयर, बकरी में हेयर होते हैं, उसी प्रकार से यही कैरेक्टर इसमें भी मिलते हैं, इसमें डकबिल में,
ठीक है, व्यक्ति में मिल्क देने की क्षमता होती है, उसी के साथ साथ हेयर भी होती है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कनेक्टिंग लिंक है। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, बिल्कुल सरल है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। आप अपनी बुक्स में देखिए, आपको बहुत सारे एनिमल्स के एम्ब्रियोस नजर आए, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, इस एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में आपने बुक्स में देखी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के आपको ये देखा दिखाई दे रहे, क्या के एम्ब्रियो दिखाई दे रहे, ठीक है। अब उसके बाद में फिश, सेलेमेंडर, टर्टल्स, चिकन, पिग, काऊ, रैबिट एंड मैन, इन सबके एम्ब्रियो दिखाई दे रहे, ठीक है। तो और उसमें तीन स्टेज दिखाई दिए, ठीक है, कितने स्टेज दिखाई दिए, तीन स्टेज। लेकिन आप इसमें देखिए पहली स्टेज में सभी के एम्ब्रियो लगभग समान दिखाई दे रहे, लगभग कैसे दिखाई दे रहे, सेम नजर आ रहे। फिर सेकंड स्टेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, और फिर थर्ड स्टेज में पूरा ही डिफरेंस आ गया, ठीक है, थर्ड स्टेज में पूरा ही डिफरेंस आ गया। तो हम कह सकते हैं वी आर से जो आवर एंसेस्टर इज सेम। समझ में आ गई बात, एविडेंस पूरा समझ में आ गया सबको। अब इसके बाद में पढ़ेंगे डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, जो जीता हो सिकंदर।